वेलकम टू एजी सिंपल अज़ीज़ तलबा तलबात इस वीडियो में हम देखेंगे कि मज़मून किस तरह से लिखना चाहिए आपके क्वेश्चन पेपर में लास्ट में जो क्वेश्चन आता है मजमून लिखने का आठ नंबर का सवाल होता है इसमें हम आपको ना सिर्फ मजमून लिखना बल्कि कौन से मज़मून आ सकते हैं इसका ये भी बताएंगे तो पहले देखते हैं कि मजमून निगारी क्या है तो चलिए शुरू करते हैं मजमून नवेसी एक फ़न है जो मश्क से आता है शुरू शुरू में आमतौर पर बच्चे मजमून लिखने से घबराते हैं देखिए मजमून लिखने का मतलब बच्चे को एक अच्छा नरेटर बनाना है दूसरों से मका दूसरे मजामी रट कर पास होने की कोशिश करते हैं इसका नतीजा यह होता है कि वो कभी भी अच्छी मजमू निकाल नहीं बन पाते देखिए मजमून हमेशा खुद से लिखने की कोशिश करनी चाहिए बच्चों को मजमून लिखते वक्त ये सोचकर मायूस नहीं होना चाहिए कि वो बच्चे मजमून नहीं लिख सकते बल्कि जहाँ तक मुमकिन हो मौजू पर सोच समझ कर बेखौफ़ी के साथ लिखना चाहिए यकीन इब्ता में दुशवारियाँ आएंगी लेकिन लिखते लिखते यकीन महारत तो और निकार पैदा होता है होता चला जाएगा और मश्क के ज़रिए इस तरह एक ना एक दिन आज का मायूस तलिब इल्म कल कामयाब मजमून निगार बन जाएगा मजमून कैसे लिखी अब देखिए सवाल है कि मजमून कैसे लिखी यहाँ सवाल पैदा होता है कि मजमून कैसे लिखी इसकी इब्तः कैसे करे इसके अंदर कैसे लिखे और उसे कैसे ख़त्म करें इन बातों के लिए हमें मंदरजा ईल बातों का ख्याल रखना चाहिए फ़र्स्ट है कि मज़मून लिखने से पहले उनवान पर अच्छी तरह गौर फिक्र करना चाहिए जो भी आपको वुनवान दिया जाता है क्वेश्चन पेपर में फिर जितनी बात बातें दिमाग में आए उन्हें एक अलग कागज़ पर तहरीर कर ले मश के लिए बता रहे ये तहरीर करते वक्त तरतीब का ख़ास ख्याल रखें देखिए आप दसवीं जमात के तलबा है तो आपके पास लफ्ज़ों का जखेरा होना चाहिए आपकी ज़ुबान मैारी होनी चाहिए और आपको इजहार ख्याल आपको करते आना चाहिए हमें ये भी याद रखना चाहिए कि मज़मून के तीन हिस्से हैं देखिए मज़मून के तीन हिस्से है, पहला है तमहिद यानी शुरुआत बाद में नफ़ से मज़मून जो कि उसका दरमिया हिस्सा और इख्त या खात्मा इन तीन चीज़ों पर मजमून बेस होता है तो देखिए तमहीद देख लेते हैं पहले मज़मून के शुरू के हिस्से को तमीद कहते हैं जिसमें उनवान की तारीफ उन मज़मून के लिए फिजा तैयार की जाती है यानी जिस चीज़ के बारे में आप मजमून लिख रहे हैं आप उसका तारुफ़ कराने को तमहीद कहते हैं तो और देखिए सेकंड है नस्फ़ मजमून सेकंड है देखिए नसफ़ मजमून तमहिद के बाद असल मौजू यानी आप जिसमें आप असली चीज़ पेश करेंगे पेश किए गए ख्याल को नस्फ़ मजमून कहते हैं यानी जो उसकी असली जान होती है और तीसरा देखिए इख्ताम अपने ख़यालत को पेश करने के बाद एक नतीजा भी निकाला जाता है यही नतीजा जहाँ आकर मजमून ख़त्म किया जाता है मज़मून का आखिरी हिस्सा है से खात्मा है। उसे खात्मा कहलाते हैं मज़मून की किस्में। मजमून तीन तरह के होते हैं एक मजमून होता है बयानिया जिसे बयान बयान किया जाता है एक हकाई की होता है और एक तखयली यानी तस्वूर कह सकते हैं इसे हम है। मजमून बयानी जिसमें किसी चीज मकान जानदार का बयान पाया जाए उसे मजमून बयानी कहते हैं मसलन गाय पर अगर मज़मून लिखा जाए तो इसके जिस्म की बनावट इसका रंग रूप इसकी आदतें इसकी खुराक और दिगर सब तफसलत बयान करना हो तो चुनाचे ऐसे मजमून को मजमून बयानी करते किसी शख्सियत पर भी अगर आप मजमून लिख रहे हो तो इसी तरह से आप लिखेंगे मोस्टली शख्सियत के बारे में मजमून आता है मेरी पसंदीदा शख्सियत या मेरा पसंदीदा शायर या मेरा पसंदीदा रहनुमा वगैरह नेक्स्ट देखिए मजमून हकाई मजमून हकाई में वो तमाम मजामी शामिल हैं जिसमें किसी वाक़ या किसी की सवान हाथ शामिल हो सवान उम्री आप बीत या हक़त और वाक़त वगैरह का जिक्र मजमून हकायकी में आता है तीसरा है मजमून तखीली ऐसे मजामी जिनमें में गौर वफ़िक्र की ज़रूरत हो मसला ईमानदारी या तालीम या अमल जैसे उन्नवाना पर जब मजमून लिखा जाएगा तो इन चीज़ों पर गौर फिक्र करके अपनी तरफ़ से लिखना होगा ऐसे मजामिन को मजमून तखीली कहते हैं यानी कि अगर आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं वज़ी अज़म होता या मेरे ख़्वाबों का हिंदुस्तान इस तरह के जो मजमून होते हैं जिसमें आपको सोच समझने की तस्वूर करने की ज़रूरत पड़े इन्हें मजमून तखीली कहते हैं गुज्त सालों के पेपर और एग्ज़ाम पेपर को देखकर हमने ये एक मजमून की लिस्ट तैयार की है इनके हिसाब से ही आपको मज़मून आएंगे इन शाला देखिए पहले हैं मेरे ख्वाबों का हिंदुस्तान ये भी आ सकते हैं उर्दू है जिसका नाम मेरा पसंदीदा शायर मेरी पसंदीदा शख्सियत देखिए मेरी पसंदीदा शख्सियत पर अगर मजमून लिखना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर ऑप्शन नहीं है इनके इनके ऊपर हम बहुत अच्छा लिख सकते हैं तो इसलिए आप मेरे ख़्याल से तो आपको इस मजमून को लिखना चाहिए आप सल्ला वम पर माहौल का तहफ़ ये भी कम्पलसरी है शजरकारी वक्त की जरूरत इस पर हमने जो पेपर सॉल्व किया था उस पर हमने उस वीडियो में हमने ये मज़मून आपको बताया है तालीम नस्वा किताबें झाकती है बंद अलमारियों से तो यह भी मज़मून आ सकता है मोबाइल रहमत या जहमत अगर मैं वजी अजम होता ये एक तस्वुराती मजमून मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हम इस पर भी पूछा जा सकता है या मेरा यादगार सफ़र या एक फटे अखबार की आप या ये भी पूछ सकता है कि एक फटी किताब की आप बीती। इसके अलावा आपको कोरोना वायरस या लॉकडाउन पर भी मजमून पूछ सकता है जिस पर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इसके अलावा शायद ही पूछे इसमें से कोई ना कोई आना जरूरी आएगा ही आएगा आपको जो आपके एग्जाम पेपर में इसमें से आना ही है अजीज तलबा और हमें पूरा यकीन है कि इन इन उन्नवाना में से ही आपको कोई ना कोई मज़मून पूछेगा आपके एग्ज़ाम में तो इन पर आप अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए हम आपको अभी बताने वाले हैं मज़मून नंबर तीन मेरा पसंदीदा शायर अजीज़ तलबा और तलिबा मेरा पसंदीदा शायर तो है हैल्ला इकबाल उम्मीद है आपके भी यही होंगे तो चलिए शुरू करते हैं मज़मून लिखना मोहम्मद इकबाल रमत हमारे अज़ीम कौमी शायर है आप नौ नवंबर उन्नीस सौ सतहत्तर को पाकिस्तान की तारीखी शहर सयारकोट में पैदा हुए आपके वालिद मोहतरम का नाम शेख नूर मोहम्मद था जो बड़े नेक इंसान थे आपकी वालदा भी एक मजहबी खातून थी आपके आबा व अजदाद का ताल्लुक़ कश्मीरी पंडितों से के ख़ानदान से था जिन्होंने बहुत पहले ही इस्लाम कबूल कर दिया था और हिजरत करके सैरकोट में आबाद हो गए थे तालीम अब देखिए ये ये हो गई तमहीद हो गई यहाँ पे अब हम देखेंगे आपकी तालीम तलीमा इकबाल की तो आपकी इब्तदाई तरबियत एक दीनी मदरसे से हुई जिसके बाद आप सयालकोट के मिशन हाई स्कूल में दाखिल हो गए जहां आपको सैयद मीर हसन जैसे फ़ाजिल और मुशफ़िक उस्ताद मिले उन्होंने आपकी दीनी तरबियत की और आप में मजहबी पैदा किया आप रहमत लैट्रिक का इम्तान मिशन हाई इस्कूल से पास किया और फिर मेरे कॉलेज सयालकोट में दाखिल हो गए जहां आपने एफ़ ए का इम्तहान पास किया और बी ए आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया और पंजाब भर में अव्वल आए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आपको प्रोफ़ेसर ऑरलैंड जैसे उस्ताद से इस्ता करने का मौका मिला एम ए करने के बाद आप कुछ अरसे औरटल कॉलेज और फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में प्रोफ़ेसर रहे इसके बाद आप आला तालीम के असूल के लिए उन्नीस सौ पाँच में इंग्लिस्तान रवाना हो गए वहाँ पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल करने हासिल की और फिर जर्मनी के म्यूख यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल करके आप उन्नीस सौ आठ में वतन वापस आ गए इकबाल को अपने उस्ताद प्रोफेसर औरलिन से बेहद बेपना मोहब्बत थी क्याम इंग्लिस्तान के दौरान में आपने पुख्ता इरादा कर लिया था कि शेर नहीं कहेंगे मगर प्रोफेसर के कहने पर आपने शेर कहना जारी रखा जब आपको प्रोफेसर के इंतकाल की खबर मिली तो बेसाख्ता आपकी जुबान से ये अल्फाज निकले आ आज इकबाल एक अजीम दोस्त और मुशफिक उस्ताद से महरूम हो गया अलमा इकबाल इब्तदाई से बहुत से इनफरादी खूबियों के मालिक थे एक मरतबा मदरसे में देर से पहुंचे उस्ताद साहब ने देर से आने की वजह पूछी तो जवाब दिया इकबाल हमेशा देर से आता है शागिर्द की इस हाजिर जवाबी पर उस्ताद ने ना सिर्फ देर से आने की सजा माफ की बल्कि इनाम भी दिया आपको शेर व शायरी से गहरा शगफ था आपकी नजमें सियासी जलसों और अदबी मजलिसों में बड़े शौक व जज्बे से पढ़ी जाती थी इनकी इब्तदाई शायरी फितरत से प्यार और अपने मुल्क से प्यार को जाहिर करती है कश्मीर जैसी इब्तई नजमों में उन्होंने परिंदों पहाड़ों और नदियों और कुदरत जैसे खूबसूरत मनाजिर के बारे में लिखा फिर इनकी शायरी ज़्यादा से ज़्यादा पुख्ता होती चली गई अपनी शायरी के ज़रिए उन्होंने सोई हुई कॉम को जगाया उन्होंने एक शायर की हैसियत से अच्छी शहरत हासिल की वो अपनी दो नज़मों शिकवा और जवाबी शिकवा के लिए बहुत मशहूर रहे इनकी सबसे मशहूर किताब बारा बाल जब्राइल और ज़रब कलीम है इकबाल गहरी मजहबी सोच के हामिल थे उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी नजमें लिखी जिसमें बर्चे की दुआ एक पहाड़ और गिलेरियर और परिंदे की फरियाद मशहूर नज़में हैं आपने इक्कीस अप्रैल उन्नीस सौ अड़तीस को वफात पाई आपका मजार मजार बादशाही मस्जिद के करीब लाहौर में वाक़ है अजीज़ तलबा तालिबात आपने देखा कि इस के बीच के हिस्से में उनकी ज़िंदगी के कई वाकत का जिक्र मिलता है और आखिर में उन्होंने कैसे वफात पाई यहाँ पर यह मजमून का इख्ताम होता है तो इस तरह से आपको मजमून लिखना है उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें